हाय नमस्कार, मैं चंद्रकांत कोटेचा आज आपके सामने फिर से पेश हूँ। इस बार मैं आपके सामने राग वृंदावनी सारंग, जो कि बेसिक राग है, सीखने वालों के लिए बहुत इजी भी है, ये पेश कर रहा हूँ। बहुत स्वीट, बहुत मीठा राग है। इसमें ख्याल रखने की एक बात यह है कि इस राग में आरोह में शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है, जबकि अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। इस राग में ग और ध पूर्णतया वर्जित है, यानी ये भी ओडव जाति का राग है। सारे म पनीसा सानी प म रेसा। इस राग की एक बहुत बढ़िया सी बंदिश है, बहुत ही स्वीट बंदिश है, घुंघरवा मोरा बाजे। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने पद्मावत फिल्म का घूमर भी सुना होगा, वो भी यही राग में है। अगर आप चाहें तो उसका भी नोटेशन इसके साथ देख के फिर बजा सकते हैं। तो मैं आपके सामने राग वृंदावनी सारंग की एक बंदिश, इसकी नोटेशन गा के और बजा के आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले ये पूरी बंदिश फ्लूट पे कैसे बजती है सुन लेते हैं। शब्द भी बहुत ही अच्छे हैं, घुंघरवा मोरा बाजे बाजे रे, सांस नंद मोरी पार परोसन लोगवा मैं का नाम धरे, घुंघरवा मोरा बाजे। इसकी एक एक लाइन कैसे गाते हैं, कैसे बजाते हैं, नोटेशन के साथ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, ये बंदिश मैंने काली पांच यानि बी फ्लैट या ए शार्प स्वर की फ्लूट से गाई है, बजाई है, ताकि आप अगर चाहे इसके साथ बैठना तो काली पांच की फ्लूट आपको लेनी होगी, या फिर आप चाहे तो आप दूसरी कोई फ्लूट से प्रैक्टिस करना चाहे तो इसको सुन लेने के बाद, बंद करने के बाद आप दूसरी कोई भी फ्लूट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर फ्लूट नहीं तो कोई सितार, वायलिन, सरोद या कीबोर्ड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे आप ये गा के या बजा सकते हैं। वोकल वाले भी ये बंदिश तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बढ़िया बंदिश है। ये बंदिश सातवीं मात्रा से शुरू होती है, तो देखिए कैसे होती है।
घुंघरवा मोरा बाजे, घुंघरवा मोरा बाजे, सा नि सा रे सा नि प नि प म रे सा रे नि सा, सा नि सा रे सा नि प नि प म रे सा रे नि सा, बाजे रे घुंघरवा मोरा बाजे, सा नि सा रे सा नि प नि प म रे सा रे नि सा, सा नि प म म प म प नि सा रे म रे सा नि सा रे सा नि प नि प म रे सा रे नि सा, सा नि प म म प म प नि सा रे म रे सा नि सा रे सा नि प नि प म रे नि सा। अंतरा नौवी मात्रा से शुरू होता है यानी खाली से शुरू होता है। म म प प नि प नि नि सा 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 नि सा रे सा नि प, सा सा न नंद मोरी पार परोसी न, सा सा नंद मोरी पार परोसी न, म म प प नि प नि नि सा 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 नि सा रे सा नि प, म म प प नि प नि नि सा 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 नि सा रे सा नि प, लोग भामे का नाम धरे हु लोग भामे का, प प नि प म रे सा म प नि सा रे म रे सा, घुंघरवा मोरा बाजे, प नि प म रे सा म प नि सा रे म रे सा नि सा रे सा नि प नि प म रे नि सा, लोग भामे का नाम धरे घुंघरवा मोरा बाजे। वोकल वालों के लिए ये मैं बंदिश फिर से ताल के साथ एक बार पूरी गा के सुनाता हूँ ताकि कोई अगर सीखना चाहे तो सीख सके। घुंघरवा मोरा बाजे, घुंघरवा ऐसी बंदिश है। अगर आप चाहें तो इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे बजा सकते हैं या गा भी सकते हैं। वृंदावनी सारंग का ज्यादा परिचय मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, आप किसी भी बुक में भी पढ़ सकते हैं कि वृंदावनी सारंग का क्या आरोह है, क्या अवरोह है, क्या वादी है, क्या सवादी है, सब कुछ आप पढ़ के भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे जाया नहीं करूँगा, लेकिन जो क्रियात्मक बात है, प्रैक्टिकल बात है, ये मैं आपके सामने पेश की है। मुझे विश्वास है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों को भी बताइए ये सीखें। बहुत ही बढ़िया सी बंदिश है। अब पद्मावत पिक्चर का घूमर जो कि काली एक सी सात स्वर में मैं आपके सामने बजा के देखता हूँ, आप भी चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। ये भी राग वृंदावनी सारंग में ही है।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको दूसरे जो नए राग की सीरीज आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको हमेशा हर एक नया राग, नई बंदिश और उसके आलाप तान सब सिखाने की कोशिश यहाँ पे करता रहूँगा। आपका चंद्रकांत कोटेचा, धन्यवाद। थैंक यू।